कोशिश हजार कर लो मगर कुछ चीजें आपका पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ती। फिर चाहे आप कितने भी कोशिश करो मगर उनसे पीछा छुड़ाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। Hey guys, we are back with another YouTube video. This is Abhishek. मैं हूं अखिल और एक और फिल्म की एंट्री इस मुश्किल वक्त पर हो चुकी है जो है इंदू की जवानी, जो सिंगल लॉन्ड की मुश्किलें और बनाने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करते हैं। आदित्य से जो कि ऑनलाइन डेटिंग ऐप के थ्रू कियारा से मिलते हैं, मतलब समझ रहे हो ना तुम, और वहीं से सारा खेल शुरू हो जाता है। प्लॉट काफी ऑर्डिनरी है और आपको ये बताना चाह रहा है कि असल में जिन लोगों से कुछ नहीं हो पाता है वो कैसे ऑनलाइन डेटिंग ऐप के थ्रू एक दूसरे से मिलते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं और आखिरी में उन कपल्स को किन किन मुश्किलों से गुजरना पड़ता है, यही सब इस ट्रेलर को देखकर लग रहा है। दो हफ्ते में मूव ऑन कर जाओ, तू डिंडर ज्वाइन कर, ज्यादा और बेटर ऑप्शन मिले। से कहते हैं घर बैठे डेटिंग ऐप से मुसीबत ऑर्डर करना। इस मूवी को लॉजिक को दूर रखकर बनाया गया है और आधा ट्रेलर देखने तक जब लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है तो इन लोगों ने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट डाल दिया जो शायद आप लोगों को हंसा सके क्योंकि हमें तो सियाही नहीं। गाइस देखा आपने पाकिस्तानी का जाल किसी पाकिस्तानी की मेरे घर में आके घुसे। लास्ट टाइम कियारा को हमने लक्ष्मी में देखा था और लगता है वो सदमे से अभी तक उभरी नहीं है, इसलिए उन्होंने ये वाली मूवी भी कर दी। Hey handsome, what took you so long to come? वैसे तो ये 2020 है, ये साल ही खराब है, पर ये वाली मूवी है ये सेकंड वर्स्ट मूवी होने वाली है बॉलीवुड इंडस्ट्री में। पहली मूवी थी उर्वशी रौतेला की वर्जन भानुप्रिया, ठीक है, और दूसरी इंदू की जवानी होने वाली है। तो जाना देखना जरूर, टाइम वेस्ट करने के लिए कुछ है भी नहीं, कॉलेज स्कूल सब ऑफ खड़े हुए हैं, तो आप जाओ मूवी देखो यार, टाइम पास हमारा भी हो रहा है आपका भी हो रहा है। तो मूवी 11 दिसंबर को रिलीज हो रही है और देखते हैं इंदू की जवानी कहां तक जाने वाली है। ये था हमारा ट्रेलर रिव्यू इंदू की जवानी का। सो अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को उत्तराखंड सिंपली एमएन। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने कौन कौन से डेटिंग ऐप यूज करें हैं।